नमस्कार। कर्क राशि पर चर्चा करेंगे। बहुत लोगों के निवेदन और आग्रह पर ये वीडियो बनाया जा रहा है, क्योंकि बहुत लोगों के सवाल हैं कि हमारे ऊपर बृहस्पति आएगा तो क्या लाभ होगा। अब हम एक बृहस्पति की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर चार ग्रहों का विशेष बदलाव है। वृषभ राशि पर कुछ ग्रह आएंगे, तो कौन सा ग्रह कहाँ कहाँ आएगा उसके कर्क राशि पर खास तौर से पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे, क्योंकि मैं जानता हूं आप हमारे जितने भी दर्शक सब्सक्राइबर या श्रोता हैं वो सारे बुद्धिजीवी ज्ञानी ज्योतिष की बेसिक जानकारी रखने वाले और सामान्य लोग नहीं है, बड़े प्रतिभावान लोग हैं। एक से एक IAS PCS कलेक्टर टेक्नोक्रेट्स ब्यूरोक्रेट्स इनकम टैक्स के और पूरे भारत में नहीं बड़े विश्व में जो छाए हुए हैं वो इतने बुद्धिमान हैं, वो हमसे हमें क्रेडिट देना चाहते हैं कि हम आपसे पूछेंगे, लेकिन सच्चाई है वो जानते सब कुछ है। तो आइए उन बुद्धिमान लोगों को हम समझाएं। ये थोड़ा सा विरोधाभास है, लेकिन फिर भी जब आपने मुझे चुना है कि आप ही बताइए तो मैं ही बताऊंगा। आइए कर्क राशि के ऊपर कौन कौन से ग्रहों के चार प्रमुख बदलाव हैं, और आपको इसमें ना सारे के सारे पॉइंट बहुत खुशी वाले हैं, जोर शोर से कह रहा हूं ये बात में। तो आइए 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में आएंगे तो कर्क राशि के लाभ स्थान में होंगे, लेकिन उससे पहले जो खुशियां देने वाला जो ग्रह है वो 1 मई को ही आपके सामाजिक प्रतिष्ठा का स्थान कौन सा है, नौकरी का दशम भाव। दशम भाव में अभी तक बृहस्पति थे, बृहस्पति देव का जो पदार्पण है आपके इनकम हाउस लाभ स्थान में हो रहा है। जिसको इनकम हाउस में बृहस्पति मिल जाए पूरे साल तक सोना खरीदता है वो आदमी, अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण खरीदता है। लिख लो और अपनी डायरी में नोट कीजिए, और अगले एक साल तक फिर एक साल बाद बताना कि हमने सोना खरीदा था या नहीं। पक्का है, पक्की खबर है ये। हम लोग कभी ऐसा झूठे आश्वासन नहीं देते हैं आप लोगों को, आज तक नहीं दिया किसी को। इसके अलावा कौन सा पाप ग्रह किसको क्या कष्ट दे रहा है, हम फिलहाल सब की बात नहीं कर रहे, सिर्फ खुशियों की बात कर रहे हैं कि 1 मई को बृहस्पति लाभ स्थान में, 14 मई को सूर्य आपके लाभ स्थान में, 31 मई को बुध का परिवर्तन आपके लाभ स्थान में। लेकिन खुशियां तो अब होंगी आपकी, यानी कि अब आपके अंदर कई हजार गुना साहस भरने वाला है अगली लाइन में। ठीक 31 मई को जब बुध का परिवर्तन होगा वृषभ राशि में, यानी कि 3 ग्रह आपके लाभ स्थान में आ गए, जब इंद्र के साथ युद्ध में मेघनाद गया तब उसके लाभ स्थान में 4 ग्रह बैठे हुए थे, इंद्र को भी जीत लेता है मनुष्य। अब आइए आपके लाभ स्थान में जब गुरु आ गए, कोई आए या ना आए, गुरु देव बृहस्पति सबके पावरफुल ग्रह हैं, सबके गुरु हैं, दैत्यों के नहीं देवताओं के गुरु हैं। उनका वहां होना, बुद्धि को निर्मल करना, सम्मान देना, स्वस्थ रखना, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बृहस्पति देव की है। अब आपके जैसे ही 31 मई को बुध का परिवर्तन होगा, ठीक अगले ही दिन कुछ ही चंद घंटों के बाद मंगल जो ग्रह है जो कर्क राशि के लिए योग कारक माना गया है, वो पंचम भाव का आपके नौकरी व्यापार प्रतिष्ठा पिता का स्थान तथा रेस्पेक्ट के साथ साथ आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला भी है, उसका पदार्पण आपके दशम भाव में होगा और उस मंगल का मूल त्रिकोण में प्रवेश होगा और वो कर्क के लिए रूचक नाम का राजयोग बनाएगा। और उधर रूचक नाम का राजयोग तो बन रहा है,
साथ में आपके लाभ स्थान में एक मालव्य योग भी होगा। तो मालव्य योग जब होता है जब शुक्र अपनी ही राशि में आ जाता है, उधर शश योग बना करके शनि आपके अष्टम में शनि आयु लंबी देता है, आदमी को मरने नहीं देता। आपकी इंडिविजुअल की बात करें, ये सिर्फ सामान्य ट्रांजिट मोशन का प्रिडिक्शन है। आपकी कुंडली में कौन सी दशा चल रही है, कौन सा आपका लगन है और किस भाव का स्वामी है, ये सारे समीकरण ये तो आप खुद ही जान सकते हैं एनालिसिस करने के बाद। लेकिन ये जो 60% एनालिसिस हम कर रहे हैं ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अब किसकी दशा कौन सी चल रही है ये तो वही व्यक्ति जान सकता है, लेकिन हमने ये सामान्य फलादेश बताया। साथ ही साथ मई के महीने में आपको कौन कौन सी तारीख को ध्यान रखना है जिसमें आपको कोई रिस्क का काम नहीं करना। नंबर एक 11-12 मई, 20 और 21-22 ये मई अच्छी नहीं है, और 30 और 31 मई को, यानी कि ये तो टोटल तारीख हुई 7, 11, 12, 20, 21, 30 और 31, एक 22 तारीख भी है। दोबारा रिपीट करता हूं, 11, 12, 20, 21, 22, 30 और 31 मई आपके लिए कर्क राशि के लिए अच्छी साबित नहीं होंगी। इन तारीखों में से आप कोई भी रिस्क का काम ना करें, बहुत बड़े लेवल पर ऐसा काम ना करें जिसमें आपको रिस्क है। बहुत बड़े ट्रांजैक्शन करते समय सावधानी रखें, गाड़ी चलाते समय सावधानी, किसी भी प्रकार का निगोशिएशंस, सौदेबाजी, डील नहीं करना। एक आध दिन आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये मैंने कर्क राशि का जो 4 ग्रहों में होने वाला परिवर्तन बताया है, और ये है सबसे बड़ी बात, दशम भाव में जब मंगल आता है, शास्त्र कहता है दशमे अंगार को यस्य स जाता कुल दीपक, एकादश में बृहस्पति हो तो स्वास्थ्य, धन, समृद्धि, पैसा, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान, कई सारे लाभ देता है। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव में पति और पत्नी की जो बुद्धि है वो निर्मल हो जाती है। इसके अलावा आपको और भी कई सारे प्रिविलेज इसलिए मिलेंगे क्योंकि आप देखिए आपका भाग्य स्थान कहाँ है, नवम भाव, नवम भाव भाग्य स्थान है, उसका स्वामी लाभ में चला गया। तो दुनिया के कोई भी ज्योतिषी ऐसे नहीं है, सब बुद्धिमान है, ज्ञानी है, इतनी प्रिडिक्शन सब भी जानते होंगे कि लाभ स्थान में आया हुआ ग्रह और भाग्य स्थान का मालिक है वो, तो लाभ तो देगा। तो इसीलिए कर्क राशि वालों को विशेष रूप से ये जो मेरा उद्बोधन है, संबोधन है, दोबारा जो बताने की आवश्यकता हुई, इस प्रसन्नता को आप खुद भी महसूस कीजिए और कर्क राशि के जितनी भी भाई और बहनें हैं उनको भी इस प्रसन्नता को अनुभव करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।